एक ऐसे डायरेक्टर जो बदल रहे हैं डायरेक्शन का चलन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रताप दत्ता जी के बारे में। ये एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साथ ही साथ राइटर भी हैं। प्रताप दत्ता जिन्होंने डायरेक्शन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहाँ पे इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार सर। फाइनली हम पहुंच गए सितारगंज की जमी पे और आपसे मुलाकात हो गया है। तो सबसे पहले सर, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका? देखिए, लॉकडाउन में हम खुद तो यही प्रयास करते हैं जो घर रह के ही अपना देश प्रशासन शासन का सहयोग दें, क्योंकि जैसे कि निर्देश है, अगर हम लोग अपने अपने घर पे रहेंगे और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें लाने के लिए बाहर मार्केट में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की ध्यान रखेंगे, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं हमारे जो भी भाई, जो भी लोग, हम सब की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हुए दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए हमारी सेवा में तत्पर है। जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी, जो भी स्वास्थ्यकर्मी वगैरह सभी लोग, तो उन सब लोगों को भी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन लोगों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर, बहुत मजा आने वाला आज के इंटरव्यू में, क्योंकि आप एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक एक्टर भी हैं, मतलब सारे क्रिएटिव फील्डों में आपने अपना हाथ आजमा रखा है। तो मेरा एक्टरों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रहता है, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ जी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहली बार आपने कैमरा फेस कब किया, और जब आपने कैमरा फेस किया तो एक एक्टर के लिए, क्रिएटिव आदमी के लिए, वो एक बहुत मोमेंट, स्पेशल मोमेंट होता है, तो उस मोमेंट के बारे में जरा एक बार बताइए। देखिए सर, एक्चुअल में कैमरा को मैंने सबसे पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना। बचपन से मेरी रुचि क्रिएशन में थी। मैं खुद सत्यजीत रॉय, ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, तपन सिन्हा जी, सैम बेनेगल जी, आप सबके जो भी काम है ये देखता रहा बचपन से ही, काफ़ी प्रभावित भी रहा मैं आप लोगों से। सो सर, आप एक क्रिएटिव फील्ड से हैं, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं जी। सर, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा एक्टर पे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिंग में रुचि रहा है। एक कलाकार के लिए कैमरा बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो एक्टर होता है, तो सबसे पहले जब आपने कैमरा फेसिंग किया होगा तो वो उस मोमेंट के बारे में एक बार बताइए। देखिए, एक्चुअल में चाहे कैमरा हो या कोई मंच हो, रंगमंच हो, कोई भी हो, एक कलाकार के लिए, एक्टर के लिए उनका सपना यही होता है जो वो खुद के जो क्रिएशंस, पहले तो उसको प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करे, और अगर खुद के परफॉर्मेंस पे अगर खुद वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो चाहे वो मंच पे काम करे या ऑन स्क्रीन काम करे, किसी भी जगह उनको फिर वो आनंद और खुशी नहीं मिलती है। तो मैं तो ये मानता हूँ, आज भी मैं निरंतर सीख रहा हूँ, प्रतिपल में मैं सीखने की प्रयास करता हूँ और वो जारी है, और अपनी जो मेहनत और शिक्षा के मुताबिक अगर कोई अच्छा काम करते हैं, लोगों को हमारी उस क्रिएशन को पसंद आता है, तो जाके हमें खुशी मिलती है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ आपका इस क्रिएटिव फील्ड में? स्टार्टिंग में मैं वाइवर्थ कलकत्ता से हूँ। मेरे घर की जो पृष्ठभूमि है उसमें मेरे पापा, मेरी दादी माँ, माता जी, सब लोगों को बहुत सहयोग रहा। बचपन से मैं पोइट्री लिखता था, पेंटिंग की बहुत बड़ी रुचि थी मुझे बचपन से ही। मेरी मम्मी, पापा, दादी माँ सब ने बहुत इंस्पायर्ड किया। तो तभी से जो फ्रेम की जो समझ है, मैं धीरे धीरे सीखता रहा अपनी पेंटिंग से ही। एक सपना ये भी मन में था जो मैं क्यों ना इसमें ऑन स्क्रीन दिखाऊँ, मेरी जो सोच है, विचार है, उसको मैं अपनी क्रिएशंस में सिनेमा के रूप में दिखाऊं लोगों को। वहीं से एक शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे बप्पा दित्य बनर्जी, जिनको कांटातार मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आपके सामने में आए। फिर श्रीदीप घोष जी हैं, आपके साथ आना हुआ। तो ऐसे कई महान विभूतियों से मेरी संबंध होते गए, उन लोगों से सीखते गए। फिर
मैं ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थिएटर में क्या रोल रहा आपका, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, क्या करते थे आप? थिएटर में मैं एज एक्टर काम करता था उसमें, और वहीं से निर्देशन का काम भी स्टार्ट किया, एक्टिंग, उसके बाद निर्देशन भी किया, राइटिंग भी किया मैंने प्ले। आप कुछ बैक कैमरा बता रहे थे, सत्यजीत रॉय और इन लोगों का बहुत प्रभाव रहा आपकी ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल, सत्यजीत रॉय का बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं काफ़ी कुछ उनका कामों को देखता हूँ, निरंतर सीखता हूँ। ऋतिक घटक जी हैं, ऋषिकेश मुखर्जी जी हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कोशिश भी है मैं अच्छा काम करूँ, लोगों को पसंद आए, समाज के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो मैं प्रयास करता हूँ समाज के लिए, देश के लिए मेरे क्रिएशंस में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर हो। केवल कॉमर्शियली कुछ ना बनाओ, केवल बिजनेस के ध्यान ना रखो, एक अपने देश की सभ्यता के संस्कृति के अनुसार मैं काम करूँ, ये भी एक प्रयास रहा है और निरंतर मैं आज भी प्रयासरत हूँ इसको लेकर। कलकत्ता से आज हम सितारगंज बैठे हैं, यहाँ कब आना हुआ आपका? 1997 में मैं कलकत्ता से दिल्ली आया, मेरी बिजनेस के सिलसिले में आना हुआ। फिर धीरे धीरे वहाँ से मैं उत्तराखंड की तरफ आया, यहाँ काफ़ी लोगों से मेरे संपर्क हुए, मित्रता हुई। तो 2010 से मैं उत्तराखंड में विथ फैमिली यहाँ पर सेटल हुआ, और तब से उत्तराखंड के लिए यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हम लोग साथ मिलके काम किया, और जो लोग साथ साथ ऑन कैमरा आए आज वो लोग यहाँ से बढ़कर मुंबई तक काम कर रहे, अच्छा प्लेटफॉर्म में पहुँच चुके कुछ लोग, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। जो क्षेत्रीय प्रतिभा को हमने मूल्यांकन किया, उनको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, उसमें हमारा भी योगदान रहा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो हमारे उत्तराखंड के लिए हम लोग मिलके आज भी प्रयासरत है काम कर रहे हैं। उत्तराखंड आ गए, सितारगंज भी आ गए, और फिर इस क्रिएटिव फील्ड में अगर एक बार डिफाइन कर दें कि सबसे पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस कौन सा काम आपने किया नाम के साथ तो बेहतर हो। बिल्कुल सर, उत्तराखंड में आने के बाद यहाँ हमने यहाँ की जो क्षेत्रीय प्रतिभा हैं सभी लोगों को काम किया। सबसे बड़ा एक सहयोग हमें यहाँ मिस्टर संजय बछाड़ जी हैं, आपका बहुत सहयोग रहा। खूब सिंह बिकल जी हैं सितारगंज से, एक राम बशीर जी हैं हमारे यहाँ के जेई साहब, तो एक मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, एक राजेश गुप्ता जी हैं, तो आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत साथ दिया आप सबने, बहुत प्रेरित किया। तो हमने यहाँ विवर्ष नाम की हमारी एक शॉर्ट फिल्म जो नैनीताल फिल्म फेस्टिवल 2017 उसमें हमारी मूवी, दो मूवी उसमें नॉमिनेटेड हुई थी, एक विवश एक आफ्टर ग्लो। तो विवश को वहाँ पर 4 अवार्ड टोटल मिली थी, और आफ्टर ग्लो भी नॉमिनेटेड मूवी के रूप में वहाँ पर दिखाई गई थी। तो उसमें एज ए बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड हमें मिला था, बेस्ट स्टोरी के लिए हमें मिल चुके थे वहाँ से अवार्ड। हमारी मूवी विवश की जो शंपा तुंगा उनको बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और साथ साथ बेस्ट सेकंड ड्रामेटिक मूवी के रूप में भी सम्मानित किया गया था। तो ये तमाम देश से सारे लोग वहाँ आए हुए थे, तो ये हमारी सितारगंज छोटी सी क्षेत्र हो, तो यहाँ की जनता के लिए, जिला उधम सिंह नगर के लिए ये भी एक खुशी की बात है। तो विवश में लगभग जो भी लोग काम कर चुके थे, सारे आर्टिस्ट सभी हमारी इसी क्षेत्रीय कलाकार थे, तो कोई ना कोई इस प्रकार से हमने क्षेत्रीय जो प्रतिभा है उनको हमने मूल्यांकन की उस स्टोरी के माध्यम से, उस काम के माध्यम से। ये जो फिल्म फेस्टिवल तक जाने का एक प्रोसेस होता है शॉर्ट फिल्मों का जी, जो आपकी कहानियाँ होती हैं, जैसे आप कुछ कह रहे होते हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं जी, क्या प्रोसेस होता है फिल्म फेस्टिवल तक पहुँचने का? देखिए इसमें अभी तो हमारे उत्तराखंड में जो हमारी सरकार भी चाह रही है कि यहाँ फिल्म विकास परिषद गठन किया गया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं शुरू से ही उत्तराखंड के, जो डायरेक्शन की फिल्म में, एक्टिंग की फिल्म में, राइटिंग की फिल्म में, नेशनल ड्रामा स्कूल से पास आउट बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की प्रतिभा बॉलीवुड में काफ़ी नाम कर चुके हैं, तो सरकार भी चाहती है यहाँ की जो
प्राकृतिक वातावरण है, खूबसूरती है उत्तराखंड की, इसकी इसको प्रमोट किया जाए और बाहर से बॉलीवुड से बहुत लोग आते भी यहाँ काम करने के लिए। तो मैं पर्सनल ये समझता हूँ जो यहाँ पे अगर जो भी प्रतिभा हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, सभी लोगों को अगर ठीक ठाक काम करने की जगह मिल जाए तो हमारे उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो सबसे कठिनाई यही है जो हमारे क्षेत्रीय जो कलाकार हैं ये यहाँ पे काम कहाँ करें, और इनको आर्थिक एक मिनिमम वहाँ से अगर स्रोत ना आए तो उनके लिए मुश्किल होता है। केवल शौक से किसी चीज़ को पालना और रोजी रोजगार के साथ जुड़कर पालना, इसमें डिफाइंड होते दोनों विचार, दोनों सिद्धांत। तो कोई ना कोई इसमें सरकार या हमारी क्षेत्रीय जो भी शासन प्रशासन, इनको सहयोग देना चाहिए क्षेत्रीय प्रतिभा को। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस पूरे सवालात में कि मानिए कि आपने कोई शॉर्ट फिल्म बना दी जी, बहुत सारे एक्टर जोड़ लिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जुड़ गए, शॉर्ट फिल्म बन गई, उसका वो क्या प्रोसेस रहता है कि वो शॉर्ट फिल्म नॉमिनेशन वहाँ तक पहुँचा पाए फिल्म फेस्टिवल तक, वो प्रोसेस जाने? देखिए असल में हमारे यहाँ तो इस प्रकार के पूरा देश भर में दुनिया भर में फेस्टिवल होते रहते साल भर में लगातार, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे नैनीताल फिल्म फेस्टिवल दो चार वर्ष लगातार होने के बाद वो फिलहाल बंद हो गई। पिछले 2019 में देहरादून फिफ्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए जहाँ हमने अपनी जो भी प्रोजेक्ट है लॉनली मदर एक हमने बनाई थी उसको हमने वहाँ पे सेंड किया। तो उनके जो जूरीज होते हैं वो लोग देखते हैं जो जो स्टोरी है उसमें जो एक्ट है। सेंड करने का प्रोसेस होता है कोई ईमेल या ऐसा? हाँ, ईमेल के द्वारा वहाँ से वो लोग जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं सोशल मीडिया में वहाँ से फिर सेंड कर देते हैं मेल के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं, फिर वो लोग देखते हैं अगर उसमें कोई खास बात है तो वो उसको नॉमिनेटेड करते हैं वहाँ दिखाते हैं। जैसे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगभग 300 मूवी वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, तो 300 मूवी से लगभग 102 मूवी वहाँ पे सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में स्क्रीनिंग हुई थी जहाँ हमारी लॉन्ली मदर को दिखाई गई थी और बेस्ट कैटेगरी में हम वहाँ पर अवार्डेड भी हुए थे 2019 सेप्टेम्बर 6-7-8 तीन दिन व्यापी वहाँ पे हुई थी प्रोग्राम। तो इसी प्रकार से 2018 में इंडोगमा फिल्म फेस्टिवल हुए थे वहाँ पे हमारी पौड़ो बेटी लड़ो बेटी एक मूवी वहाँ सबमिट हुई थी, वो भी अवार्डेड हुई थी फरीदाबाद से। तो इस प्रकार से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारी देश की संस्कृति, हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति उसको प्रमोट करने का, जो भी प्रतिभा है इस फील्ड के सभी लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का। तो इसमें बस हम यही चाहते हैं जो हमारी शासन प्रशासन भी इस तरफ ध्यान दे ताकि हम लोगों के लिए काम करना आसान रहे। जो बड़ी फिल्में होती हैं जी, इनको बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड की, इनको वो महत्वता या तवज्जो मिल जाता है, जबकि जो रीजनल सिनेमा होता है चाहे बंगाली हो, भोजपुरी हो, ये बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता, ना लोग थिएटर तक पहुंच पाते हैं, तो क्या ऐसा होता होगा? देखिए एक्चुअल में रीजनल लैंग्वेज में क्या है, वो क्षेत्रीय भाषा के जो लोग है, बोली भाषा जानने वाले, वो एक सीमित परिसर के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली उस लैंग्वेज की उतने ही लोग देख पाते हैं जितने लोग उस लैंग्वेज को समझते हैं। और बॉलीवुड मूवी की क्षेत्र यह है जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी का विस्तार ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली देखने वाले लोग भी ज़्यादा है। सर मैं आपके इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी जो एक सिनेमा है जी, जो पंजाब का सिनेमा है, उसने पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में भी कैप्चरिंग कर ली है जी, जबकि दूसरा रीजनल सिनेमा नहीं कर पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे हैं दूसरे रीजनल सिनेमाओं में। अगर आप भोजपुरी को लेकर चलें, जो मेरी मदर टंग है जी जी, मैं गोरखपुर से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुल मिला के वही सारे प्रोसेस को दोहरा रहे हैं, वही समझ रहे हैं आप, उन्हीं सारे प्रोसेस को लगातार कर रहे हैं जिससे कैप्चरिंग नहीं कर पा रहा, कुछ नया पन लेके नहीं आ पा। किसी मूवी का एग्जीबिशन वो एक अलग मैटर है, अलग डिपार्टमेंट है, उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशंस, मूवी मेकिंग करना, मैं एज ए डायरेक्टर मेरी जो क्रिएशन है क्रिएटिविटी वो एक अलग मैटर है। मेरा कोशिश ये रहता है जो एक मैं अच्छा काम करूँ, एक अच्छा मूवी में बनाऊँ। तो यहाँ पे यही होता है इंडस्ट्री में, देखिए टीम वर्क है यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्केटिंग की टीम होते हैं, प्रमोशनल टीम होती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउस इनकी अलग अलग कैपेबिलिटी हैं, तो उस हिसाब से उसको मार्केटिंग करते हैं।
है ना, उस क्षेत्र को उस हिसाब से टारगेट करके काम करते हैं उनकी एबिलिटी के मुताबिक। लेकिन एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, जो मैं एक अच्छा काम करूँ, चाहे वो रीजनल का हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कैसा भी हो, कोई भी काम हम लोगों के लिए छोटा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि क्रिएटिविटी और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक बहुत अच्छा काम किया, हम ही साफ सुथरा शुद्ध मूवी का निर्माण किया और वो मूवी बिजनेस नहीं कर पाई, तो क्या आप उस मूवी को खराब तो नहीं कह सकते आप? नहीं, वो तो एक अच्छा मूवी हमने बनाई। लोग जैसे आप वो मूवी को देखेंगे, देखने के बाद जब आप बोलेंगे नहीं एक बहुत अच्छा मूवी हमने देखा है ना, और जो केवल इसी बात से जो मूवी कितने करोड़ की बिजनेस की, इससे अगर आंकलन करना चाहे तो वो ठीक नहीं होगा मेरे विचार से। क्रिएटिव फील्ड के लोगों पे सवाल हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जी बताया। फिर सर आगे का सिलसिला आपका चल निकला? अभी तो जैसे कि लॉकडाउन से पहले हमारी तैयारी थी राधा मूवीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के एक प्रोजेक्ट है द इंटरव्यू सेशन ऑफ लाइफ, एक हिंदी फुल लेंथ की सिनेमा। उसके लिए हम काफ़ी कुछ काम आगे बढ़ चुके और साथ साथ हमारे दूसरी एक प्रोजेक्ट समझ, जो कि शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टैलेंट हमारे सितारगंज से इनकी बैनर तले बन रही समझ फीसर फिल्म, ये भी फुल लेंथ की हिंदी सिनेमा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये डबल वर्जन की बनेगी, समझ जो है हिंदी और कुमाऊनी लैंग्वेज में इसको हम बनाने वाले हैं। और मेरी सोच यही है जो हम अधिकतर लोग इसमें जो भी कास्ट करें, ये उत्तराखंड के लोगों को ही कास्ट करें, यहाँ की बच्चों को, यहाँ की लोगों को, एक्टर एक्ट्रेस को ही हम कास्ट करें, ताकि हमारी क्षेत्रीय प्रतिभा को काम करने की एक जगह मिले। और नेक्स्ट हमारा स्काई क्रिएटिव आर्ट्स का एक प्रोजेक्ट है लव टू लाइफ, ये भी एक हिंदी सिनेमा है फुल लेंथ की, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब भूषण झावड़ा जी रुद्रपुर की आपका एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें कैरेक्टर हैं, और साथ साथ हमारे डॉक्टर अभिजीत मंडल जी हैं हमारे क्षेत्रीय, जो कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पास आउट हैं ड्रामा के, पर बहुत अच्छा एक्टर उसमें आप है। एक रवि वर्मा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहा है उसमें, शाहिल राज हल्द्वानी का जो हमारे एक भाई, वो एक कैरेक्टर निभा रहा है। और इस लव टू लाइफ का जो म्यूज़िक का पार्ट संभाल रहा है हमारी उत्तराखंड के बाबलू सागर जी, टोटल जो इसमें म्यूजिक का पार्ट जो कंपोजिशन वो बाबलू सागर जी कर रहे हैं। भूषण छावड़ा सर का मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा सहयोग रहा है जी, गुरु के जैसा मानता हूँ मैं जी। कैसे व्यक्ति हैं? देखिए छावड़ा जी मैं समझता हूँ जितने भी लोग अभी हम लोग इस क्षेत्र में हमारे काम कर रहे हैं, तो आप काफ़ी सीनियर है आप सबसे, जो नए लोग हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे छावड़ा जी से, मेंटोर हैं बहुत लोगों को प्रमोट करना। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि बड़े शहर में जाकर, देखिए मुंबई में जाके काम सीखने की अवसर नहीं मिलते, वहाँ तो जाते ही लोगों को बेस्ट परफॉर्म देना होता है, काम करना होता है वेटर, तो वहाँ सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जैसे कि सवड़ा की है और जो भी लोग हैं हमारे उत्तराखंड में लगे हुए, आप सबके माध्यम से अब खुद को तैयार कर ले, सीख ले, उसके बाद जैसे कि क्षेत्रीय हमारी जो मूवी हैं उस पर हम लोग काम करें, हमारी प्रदेश के लिए हम प्रतिनिधित्व करें, वहाँ से आप बेटर करोगे तो फिर आगे चल के भी आपको काम करने की ऑप्शन मिलेगा। जो छावड़ा जी हैं और कुछ और टैलेंट हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया अपने काम से कि अपने शहर में, अपने प्रदेश में और अपने घर में भी रहकर काम किया जा सकता है और काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई जाना क्यों नहीं हुआ आपका? देखिए मुंबई जाना हुआ है, कई लोगों से मिलकर काम भी किया है, लेकिन मैं अधिकतर विश्वास करता हूँ जहाँ हम रह रहे हैं उत्तराखंड में, यहाँ से भी हम बेहतर कर सकते, हमारे यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत ही यूनिक है, तो हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ लोग नेशनली इंटरनेशनली उस काम को पसंद भी करेगा, केवल ज़रूरत है अपने टैलेंट को बेहतर रूप से, बढ़िया रूप से उसको परफॉर्म करें, ताकि लोगों को पसंद आए। तो हम यहाँ रह के भी, सितारगंज नैनीताल रह के भी अच्छा काम कर सकते हैं,
कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए हम मुंबई जाए, अगर काम की आवश्यकता हो तो मुंबई जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आगे के सर हमने जैसे कि अभी बताया आपको हमारी जो लव टू लाइफ जो बिल्कुल करेंट प्रोजेक्ट है, लॉकडाउन की परिस्थिति सामान्य होते ही हम लव टू लाइफ को लेकर काम करना चाहेंगे। प्री प्रोडक्शन की काम ऑलरेडी हम लोग कर रहा है इस टाइम घर पे रह के सब लोग, और रिसेंटली हमने एक ओइकतन नाम की एक बेंगोली टॉलीवुड मूवी हमने लॉकडाउन में बनाया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें काफ़ी सारे बॉक्स आर्टिस्ट उसमें काम कर चुके, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस प्रकार से एक अभी गॉड टैलेंट डिजिटल वर्ल्ड चैम्पियन करके एक रियलिटी शो इसको हम लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के कई लोग एज ए मेंटर एज ए जज उसमें हमारे साथ मिले हुए हैं। सबड़ा जी, अभिजीत जी, एक सी डी तिवारी जी हमारे बड़े भाई साहब, तो कई लोग हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में रह के जो सिंगर डांसर एक्टर या मॉडलिंग में इच्छुक बच्चे वो भी इसमें भाग ले नहीं सकते। 16 साल हो गए सर आपको इस लाइन में लगातार लगे हुए, लगातार टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं उन्हें काम करने का और लगातार क्रिएटिविटी पेश कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें जो आपको बूस्ट कर रखती है, मोटिवेटेड कर रखती है कि हाँ मेरे को लगे रहना है और काम करना है? देखिए एक्चुअल में क्रिएटिविटी जो फिल्म लेखन या फिल्म का निर्माण, इस फील्ड में व्यावसायिक रूप से सक्सेस होना बहुत कठिन काम है। उस प्रकार की संसाधन साधन की बहुत सारी कमियां हमारे पास हैं, बट अगर प्रयास किया जाए तो कम से कम संसाधन में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कई मिसाल पेश किया, जैसे कि हमारी एक मूवी विवश लोगों ने बहुत पसंद किया जो अवार्डेड मूवी है। इसी प्रकार से नॉली मदर देहरादून 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत रिस्पॉन्स मिला। इसी प्रकार से हमने हाफ प्लेट एक शॉर्ट फिल्म हमारी लोगों ने बहुत पसंद किया, एक हमने इनकाउंटर शॉर्ट फिल्म में बनाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो कम से कम संसाधन में और हमारी क्षेत्र प्रतिभाओं को लेकर हमने अच्छा काम किया, लोगों ने बहुत सारा है बहुत पसंद किया। तो अच्छा काम करने में हमें केवल ये चाहिए आप सबका सहयोग, चाहे एक्टर हो राइटर हो डायरेक्टर हो, सब बेटर परफॉर्म करे तो अच्छा काम कर सकते। बाकी हो सकते आगे चल के फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हमें भी सुविधा मिले, व्यावसायिक रूप से हम भी सक्सेस हो जाए, एक आशा लेके काम करना होता है। बाकी इस फील्ड से प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है, इसको हम करेंगे लगातार, वो तो करना ही है, ये लाइफ का पार्ट है। वेब सीरीज का दौर चालू हो गया है, पूरी दुनिया टेलीविजन और जो बड़े पर्दों से लगातार मोबाइल पर शिफ्ट होती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं ये है कि आदमी अपने बिस्तर में भी सोया है तो कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट निकाल के वेब सीरीज देख कर ख़त्म कर देता है। क्या दौर ये वेब सीरीजों का अचानक चालू हो गया है, क्या ये टेलीविज़न उनको ख़त्म कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये समय की डिमांड है, लेकिन मेरे तो ये ही कहना है चाहे वेब सीरीज हो शॉर्ट फिल्म हो या फिल्म हो, जिसमें एक नई जिम्मेदारी हम सबकी है जो हम अपने देश के लिए समाज के लिए साफ सुथरा संस्कृति को दर्शाए। स्टोरी में दम होना चाहिए, स्टोरी सामाजिक हित में भी जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन ना हो। तो ऐसा मैं खुद के काम में भी प्रयास करता हूँ और जो मेरे साथी मित्र लोग हैं उनको भी मैं इस प्रकार से प्रत्याशा रखता हूँ। एक आपने कैमरे के पीछे बताया कि आपने एक बुक पब्लिश की, तो क्या प्रोसेस रहता है एक बुक पब्लिश करने का? राइटिंग तक तो मैं समझता हूँ कि राइटिंग कर लिया हमने, उसके प्रोसेस को जानना चाहता हूं। तो प्रोसेस क्या है एक्चुअल में, मैं बहुत ही छोटे उम्र में लगभग मैं 12-13 साल था तभी से मैं स्कूल मैगजीन में मेरी लेख पब्लिश होती थी, तो एक उसमें खुशी होती है, खुद की लिखी हुई चीज़ जब आप देखते हो जो छप के सामने आती है तो एक सेटिस्फेक्शन आपको होता है। इस प्रकार से हम लिखते गए पोइट्री शॉर्ट स्टोरी वगैरह, मैंने खुद मैगजीन भी एज एडिटर एडिट किया संपादक, तो उसी रूप में 2003 में मेरी पहली जो काव्य संकलन बंगाली लैंग्वेज के वो पब्लिश हुई थी, बहुत सारे पत्र पत्रिका में लिखते रहे। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंगाली लैंग्वेज में हुई, बट मैं हिंदी में लिखने की प्रयास करता हूँ, हिंदी मेरी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भाषा की बहुत लगाव है मुझे, मैं हिंदी में भी पोइट्री वगैरह लिखता हूँ, कई पत्र पत्रिका में छपती हैं तो खुशी होती है। तो हिंदी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी आपने?
हिंदी तो मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई की माध्यम बंगाली और इंग्लिश थी, हिंदी हम बाद में सीखे हैं और अभी बकायदा मैं हिंदी लिखता हूँ पढ़ता हूँ। कहाँ तक शिक्षा है आपकी? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ बंगाली लैंग्वेज से ही। क्या कोई बीए ऐसा कुछ? ग्रेजुएशन में मेरी बंगाली लैंग्वेज से है, बंगाली में ही। ये भी कलकत्ता से हुआ होगा? हाँ कलकत्ता से हुआ। जो ये नई प्रतिभाएं आ रही हैं या आना चाहती हैं इस क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए कोई संदेश आपका? संदेश यही है जो पहले खुद को तैयार करें। रातारात कोई स्टार नहीं बन सकते, तो सपना देखना बुरी बात नहीं, बट उस सपना को साकार करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। तो पहले खुद को वो प्रिपेयर करें, तैयार करें। कोई भी काम आसान नहीं है, सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेहनत से सीखे। अगर प्रतिभा है वो ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ज़रूर उनको मंजिल मिलेगी, मंजिल मिल जाएगी। सो आज हमारे साथ थे प्रताप दत्ता जी, जो एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, मतलब क्रिएटिव फील्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। और एक इन्होंने बंगाली किताब भी लिखी है, लगातार इनके लेख पब्लिश होते रहते हैं। सर, इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी फिल्में देखते होंगे आप जी, तो जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो लिखाता है दी एंड जी, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप रियलिटी में देखें तो फिल्म में हीरो हीरोइन, माँ बाप, बच्चे सब मिल जाते हैं जी, तो खत्म नहीं होता है फिल्म, वहाँ से शुरू होता है। तो हमारे जो शो है जी दास्तान है स्ट्रगल, इसका टैग लाइन है जस्ट अ बिगनिंग। तो एक बार कैमरे की तरफ देख के आप बोल दीजिए जस्ट अ बिगनिंग। क्या है आपको? जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट अ बिगनिंग, दैट मींस आ जा, जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट अ बिगनिंग। सो गाइस, आप देखते रहिए फिल्मी चाणक्य। अगर इंटरव्यू अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बाकी ऐसे इंटरव्यूज लाता रहूंगा। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।